अरे यार फ्रैंकी भैया, मेरे को ऊपर बैठना है यार। अरे भाई शिनचान, चुप करके बैठा रहा जहाँ पे तू बैठा है। तूने खुद ही कहा था कि पिनचान और चौप को ऊपर बिठा दो और मैं अंदर बैठूंगा। हाँ यार फ्रैंकी भैया, लेकिन भाई बाहर बहुत ज्यादा मस्त मौसम हो रखा है, मेरा भी दिल कर रहा है बाहर खड़े होने का। अरे यार नहीं फ्रैंकलिन भैया, बाहर जगह नहीं है, इसको अंदर ही बिठाए रखो। अरे हाँ भाई चौप, मुझे पता है बाहर जगह नहीं है, छोटी सी तो गाड़ी है यार हम लोगों की, और ऊपर से तुम लोगों को उसमें भी भाई लड़ना होता है कि ऊपर कौन बैठेगा। बताओ जरा, यानी कि गाइस यार हमेशा इसी बात पे तीनों के तीनों ना लड़े होते हैं कि बाहर कौन बैठेगा। हमेशा इनको बस बाहर निकलने का और बाहर रहने का शौक होता है, पता नहीं क्या ही मसला है इन तीनों के साथ। अरे यार मैंने क्या किया? हाय फ्रैंकलिन भैया, मेरे को आप बाहर नहीं, एक तो निकलने दे रहे, ऊपर से बातें सुना रहे हो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया छोड़ो इसको, ये तो बावला है, इसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। अरे हाँ भाई, मैं भी कौन सा इसकी बातों पे ध्यान दे रहा हूँ, पिंचन बोलने दे भाई, खुद ही बोल बोल के चुप हो जाएगा। वैसे भी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो ये आ गया हम लोगों का प्यारा सा घर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और तुम दोनों ऊपर ही खड़े रहोगे कि बाहर भी निकलोगे। अरे यार निकल ले निकल ले। वैसे मौसम तो आज काफी ज्यादा सुहाना हो रहा है, और हो सकता है भाई बारिश आज हो जाए। वैसे तो लॉस सैंटोस में हर दूसरे दिन बारिश हो रही होती है यार, लेकिन हम लोगों को उससे क्या भाई, बारिश हो रही हो या फिर ना हो रही हो, हम लोग तो मस्त अपना घर में आ चुके हैं और अब हम लोगों को कहीं पर जाना भी नहीं है। अरे भाई पानी में नहीं जाना, अभी कपड़े बदले थे फिर गीले हो जाते ना भाई, बवाल हो जाता फिर बदलने पड़ जाते। खैर गाइस यार, आप लोग सुनाओ आप लोगों के कैसे हाल चाल। लॉस सैंटोस में से तो मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा और मस्त हो रखा है। आप लोग देखो थोड़ी सी तो ना ऐसे फॉग सी पड़ रही है, लेकिन भाई ओवरऑल ना मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा था कुछ खाने के लिए ले आऊँ जल्दी से जाके भाई। गाड़ी एक सेकेंड, ये क्या है भाई? हाय आपके भैया क्या हो गया? अरे भाई यहाँ पे ना कुछ तो लकड़ी का पड़ा हुआ है भाई, ये कौन लगा गया भाई? कबाड़ खाना समझा हुआ क्या हम लोगों के घर के पीछे वाली साइड को? बताओ जरा, कोई दरवाजा लग रहा है यार। शिनचान कहाँ पे गया तू? हाय आपके भैया मैं आ गया यार यहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे ये दरवाजा लग रहा है मेरे को। अरे हाय आपके भैया कुछ दरवाजा टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दरवाजे का क्या काम, ये तो स्विमिंग पूल है अंदर से। हाँ भाई मैं भी वही देख रहा हूँ, पीछे से भाई दरवाजे की कोई एंट्रेंस भी नहीं है। एक मिनट पानी के अंदर देख लेता हूँ भाई जाके, अंदर से भी यार गाइस मेरे को तो नहीं कुछ नजर आ रहा कि अंदर कुछ हो, यानी कि लिटरली अंदर तो कुछ भी नहीं है यार शिनचान। हाँ यार भैया हमारा घर है, हमें नहीं पता होगा कि अंदर है कुछ कि नहीं है। अरे हाँ भाई पीछे से भी कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, ये दरवाजा कौन लगा गया भाई यहाँ पे? बताओ जरा, अजीब सा दरवाजा है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है यार, लेकिन बिल्कुल अंदर फिक्स ही है भाई। टूट रहा है यार शिनचान, टूट रहा है। अरे हाँ यार फ्रैंक भैया उसको उठा के बाहर फेंको, अजीब सा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है कि यहाँ से कोई एंट्रेंस है। हाँ भाई लग तो रहा है, पिंचान और चौप कहाँ पे गए हैं? हाँ फ्रैंक भैया मैं उनको बुला के लाता हूँ। हाँ भाई जल्दी से बुला के ला, चौप देखो सामने आके सो गए, इसको भी बुला जल्दी से। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये दरवाजा कहाँ से आ गया? अरे हाँ यार ये दरवाजा तो मैंने भी नहीं देखा यार फ्रैंकलिन भैया। हाँ भाई मैंने भी नहीं देखा, ये पता नहीं कैसा दरवाजा पीछे उधर भाई, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा इस पे असर। हाय फ्रैंक भैया गोलियां क्यों चला रहे हो यार? अरे गोलियां मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ये जो है ना दरवाजा ये खुल जाए किसी तरह, ताकि पता तो चले भाई दरवाजे के पीछे है क्या। हाय फ्रैंक भैया मेरे को तो लग रहा है वैसे कोई लगा के चला गया। नहीं यार वैसे भी कोई लगा के गया हो तो भाई एटलीस्ट खुलना तो चाहिए ना। एक सेकंड तुम लोग रुको, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी से इसके ऊपर चल के देखते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना ये वाला जो सिलेंडर है ना इसको लेके जाते हैं, सिलेंडर से फोड़ के देखते हैं। अरे हाँ यार फ्रैंक भैया मस्त आइडिया है, इसको लेके चलते हैं। हाँ भाई इसको लेके चलते हैं, एक मिनट खींच लूँ पहले यहाँ से, यहाँ पे आई गेस ठीक रहेगा। पीछे हो जाए यार पीछे। अरे भाई क्या हो गया भाई, क्या कर रहा है तू? चौप उसको क्यों काट रहा है, पागल हो गया क्या तू? अबे चौप क्या कर रहा है तू? अरे यार ये मुझे खाना नहीं देता, मेरा खाना चोरी कर लेता है। अरे भाई क्या हो गया भाई शिनचान को, पिनचान को बल्कि क्यों मार रहा है तू, क्या कर रहा है चौप? बस बाहर आ जा, बस कर दे भाई, ये लोग तो अलग ही पागल चल रहे हैं, इनको छोड़ते हैं। यहाँ पे आई गेस गोली एक मार के मैं देखता हूँ शायद। भाई पूरा स्टोव जल गया मेरा, लेकिन भाई इस दरवाजे पे कोई असर नहीं पड़ा, ये क्या बात हुई भाई, थोड़ा सा तो असर पड़ना चाहिए था ना। चौप क्या कर रहा है तू, छोड़ दे पिनचान की जान। अरे यार मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, मैं जल्दी से आरपीजी मार के देखूं कि आरपीजी से आई गेस थोड़ा बहुत असर होगा। है भैया लेकिन इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ा। हाँ भाई मैं भी वही देख रहा हूँ कि इसका असर नहीं पड़ा। चौप, अरे भाई चौप को लग गई। अबे यार ठीक है चौप को अभी बाद में देख लेते हैं। तो लेकिन भाई इस पर कोई असर क्यों नहीं पड़ा, लिटरली में कुछ भी नहीं हो रहा भाई। बताओ इसको, गोलियां भी सारी चला के देख ली मैंने, इसके साथ सिलेंडर भी फाड़ के देख लिया,
आरपीजी तक चला के देख लिया, लेकिन भाई लिटरली में इसको कोई असर नहीं पड़ा। आई गेस कि एक और काम हम लोग कर सकते हैं। हाय अपेक भैया, वो क्या? अरे यार मैं ना ऐसा करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर को बुलाता हूँ, वो अपना सामान लेके आएंगे और आई गेस के वो इसको खोल पाएंगे। अरे हाँ अपेक भैया, ये वाला आइडिया तो कमाल का है। हाँ भाई अभी कॉल करता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर को, वही कुछ कर सकते हैं अब। ऑलराइट तो गाइस यार अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्कर आ चुके हैं और ये लोग ना ड्रिलिंग कर रहे हैं। देखते हैं भाई अभी ड्रिलिंग का कोई फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता। यहाँ पे ये अबे वेल्डिंग किस चीज़ की कर रहा है भाई, मेरा पूल ना तोड़ दें भाई। अरे सर नहीं टूटता, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ भाई आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा ये दरवाज़ा खोलने में या उतारने में या तोड़ने में? देखिए सर डिपेंड करता है कि ये कितना मजबूत है, ज़्यादा मजबूत होगा तो टाइम लगेगा, आपको हम आधे घंटे तक बताते हैं। अरे अच्छा चलो ठीक है गाइस, यार हम लोगों को फिर आधे घंटे यार शिनचान पिनचान वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारा काम कर नहीं लेते। भाई 10 मिनट से तो ये लोग लगे हुए हैं लेकिन भाई कोई भी असर नहीं हो रहा। एक ड्रिल इन्होंने बिल्कुल दूसरी साइड पे लगाई हुई है और एक ये बाहर की साइड पे लगाई है, लेकिन भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़रा सा भी इस दरवाजे को। पता नहीं भाई ये दरवाज़ा रातों रात ये कॉल लगा गया, यानी कि रात को जब मैं यहाँ से गुजरा था बाहर में आया था चॉप ने ना बॉल फेंक दी थी, तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब अचानक से पता नहीं क्या आ गया है। अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है इस पे। क्यों भाई शिनचान पिनचान? हाँ यार तब तक कुछ खाएं जाके। अरे भाई खाने पीने की तुझे पड़ी रहती है, बुक्कड़ खा लेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले ये काम हो जाने दे। भाई इतना बुरा लग रहा है ये दरवाज़ा अपने घर के बाहर, ये पहले भाई सारा सही हो जाए उसके बाद खाने पीने चलेंगे। अरे यार ठीक है फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई पूरा का पूरा एक घंटा हो गया, आपने कहा था आधे घंटे में सारा का सारा काम हो जाएगा। अरे नहीं सर ये दरवाज़ा तो हमारे पास से बाहर का है, ये हम नहीं तोड़ सकते, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप किसी और को बुला लीजिए काम करने के लिए। अबे यार क्या मुसीबत है, घंटा जाया करवा दिया भाई तुम लोगों ने। ठीक है अभी फिर मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा तुम लोगों को। अरे सर कोई बात नहीं, ना दें आप पैसे, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम चले। ऑलराइट गाइस यार वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तो चले गए, कह रहे थे कि भाई हमारे बस की बात तो नहीं है, हमसे ना हो पाएगा ये, तो भाई वो लोग तो चले गए और दरवाज़ा अभी तक यहीं पर है। यानी कि लिटरली में इसके पीछे ऐसा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ सीक्रेट डोर टाइप का है, जैसे हम लोगों के घर के नीचे सीक्रेट बंकर्स वगैरह होते हैं ना, इसके नीचे भी कुछ स्पेशल हो सकता है। क्यों भाई शिनचान क्या कहता है तू? अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया, हो सकता है कि इसके नीचे बहुत सारे पैसे हो या कुछ गाड़ी हो या फिर बाइक हो या फिर बहुत बड़ा एयरप्लेन हो या फिर बहुत सारा सोना हो। अरे हाँ यार फ्रैंकी भैया इतने पैसे हम लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन इसको खोलना कैसे है वो हम लोगों को नहीं पता अभी तक। हाँ भाई यही तो दिक्कत है भाई, ये खुलना कैसे है वो नहीं पता ना हम लोगों को, वो एक दफ़ा पता चल जाए ना तो मज़े से आ जाए। अगर मैं यहाँ पे करके गोली मारूँ तो क्या ये दरवाज़ा टूटेगा क्या? अरे नहीं भाई मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई भी फ़र्क पड़ रहा है दरवाज़े को। हाँ भाई बिल्कुल भी एक दरार भी नहीं आई अभी तक इसमें, बताओ ज़रा। अबे यार क्या करें यार, अभी इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक तगड़ी वाली गन तो है, मैं अंदर से लेके आता हूँ, हो सकता है उसके साथ हम लोग इसको खोल पाएँ। अरे हाँ भैया जल्दी से लेके आओ यार। हाँ भाई लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। ये वाली गन है यार गाइस, इसमें से लेजर्स निकलती हैं, अगर इससे भी ना हुआ तो लिटरली फिर तो किसी चीज़ से दरवाज़ा नहीं खुल पाएगा। अबे शिनचान पिनचान तुम लोग इधर ही रहना, ज़्यादा आगे मत आना भाई, बट ट्राई करते हैं आई गेस कि इस लेज़र से तो कुछ हो जाना चाहिए। नहीं भाई लेज़र से भी मुझे नहीं लग रहा कोई भी फ़र्क पड़ा इस दरवाजे पर। अरे नहीं भाई कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा भाई इस दरवाजे पर, तो बताओ ज़रा। अबे यार ये क्या मुसीबत है, और मैं पेट्रोल भी इस पर डाल सकता हूँ, पेट्रोल डाल के मैं इस पर आग लगा सकता हूँ यार वैसे, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन भाई ये है तो वुड का ही ना, हाँ टूट भी सकता है और जल भी सकता है। आग तो यार यहाँ पे लग चुकी है। अबे भाई तुम दोनों को क्या हो रहा है, पागल हो गए क्या, बावड़ो भागते क्यों जा रहे हो? हाँ फैक भैया यहाँ पे आग लगी हुई, आप कह रहे हो भागो मत। अरे आग लगी है लेकिन आग बुझ भी गई यार, लिटरली में कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई इसको आग से भी। एक दफ़ा हम ग्रेनेड भी मार के देख लेते हैं, हो सकता है ग्रेनेड से कोई फ़र्क पड़ जाए या स्टिकी बॉम्ब से। ये लास्ट चीज़ है, अगर स्टिकी बॉम्ब से भी कुछ ना हुआ तो फिर हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे भाई स्टिकी बॉम्ब से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं भाई अभी तक नहीं खुला यार ये दरवाज़ा, क्या मुसीबत है, इस दरवाजे को खुल जा भाई। अब नहीं खुल रहा, लगता है कि भाई कुछ और ही इसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अंदर चल के बैठ के आराम से सोचते हैं भाई क्या जुगाड़ लगाएं इसका। अरे यार फ्रैंकी भैया अंदर कहाँ चले गए, यहाँ पे बाहर आओ यार एक मिनट। अब क्या हो गया भाई? है फ्रैंकी भैया इधर देखो यहाँ पे कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है भाई, यहाँ पे दरवाज़ा पड़ा था और तो कुछ भी नहीं पड़ा। अरे यार फ्रैंकी भैया ये देखो। हाँ भाई यहाँ पे ये देखो पेपर पड़ा है, बिल्कुल दरवाजे के बाजू में पड़ा था भाई, ये झाड़ियों की वजह से नज़र नहीं आया मुझे, थैंक गॉड भाई इसको आग नहीं लगी। भाई क्या पेपर है वैसे, देखते हैं तो आए इसको उठाएँ ज़रा,
जल्दी से उठा के देखते हैं भाई इस पे क्या लिखा है। भाई इस पे तो लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द डोर और नीचे टास्क लिखे हुए हैं यार शिनचैन पिनचैन। हाय फ्रैंकलिन भैया क्या टास्क लिखा हुआ है? अरे भाई इसमें लिखा हुआ है स्टील द मिलिट्री सुपर कार। अरे भाई साहब मिलिट्री बेस से सुपर कार चोरी करनी है। हाय एफ के भैया लेकिन ये हम लोग कैसे करेंगे? अरे यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, यानी कि सीधा का सीधा मिलिट्री बेस से गाड़ी कैसे चोरी करूँगा मैं? भाई मिलिट्री वाले तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे भाई, बगैर मसाला लगाए वो मुझे तल देंगे भाई। पूरा का पूरा मिलिट्री बेस में मैं एंट्री कैसे लूँगा? कर्नल साहब अपने जानने वाले तो हैं लेकिन भाई इतने अच्छे भी जानने वाले नहीं हैं कि मैं सीधी की सीधी चोरियाँ करने ही बैठ जाऊँ यार। लेकिन भाई अभी ये दरवाज़ा खोलना है, हो सकता है दरवाजे के अंदर काफ़ी सारा सोना हो। और भाई मैं थोड़ा बहुत ना सोना वोना दे के या पैसे दे के भाई मिलिट्री वालों को भी चुप करवा लूँगा। हाय फ्रैंक भैया ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये आइडिया तो रिस्की है। अरे हाँ यार फ्रैंक भैया अगर इसके अंदर कुछ ना हुआ तो? अरे यार रिस्क पे ही है अब सब कुछ, ठीक है यार तुम लोग घर पर ध्यान रखो ज़रा। और मैं सीधा का सीधा ना चलता हूँ गाड़ी लेके अपनी जाता हूँ और वहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ। भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, अभी मिलिट्री की सुपर कार चोरी करनी है। हम लोगों के पास जो अपनी सुपर कार है ये भी काफ़ी तगड़ी है, यानी कि आप लोग देखो भाई डबल सिलेंडर वाली ये वाली तगड़ी सी गाड़ी है। इस पर काफ़ी सारे हम लोगों ने ना चीज़ों को अपग्रेड किया हुआ है। अभी तुम दोनों बाहर क्यों आ गए हो? है भाई भाई चॉप भी तो बाहर है। अरे भाई चॉप को छोड़ो तुम दोनों अंदर अभी चलो, बल्कि चॉप तू भी अंदर चल इनके साथ। बल्कि चॉप तू यहीं पर खड़ा हो, अपनी गाड़ी का ज़रा ध्यान रखियो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ भाई अपनी गाड़ी जो है ना इसको अंदर ही खड़ा कर लूँ। भाई आजकल ना लॉस सैंटोस में चोरियाँ बहुत हो रही हैं। ऑलराइट ठीक है यार हम लोग अपनी बाइक निकालते हैं तगड़ी वाली, तुम लोग अब इधर ही खड़े रहोगे? हाय हाय भाई भैया हम लोग तो इधर ही खड़े रहेंगे। अच्छा भाई फिर ध्यान रखना जरा घर का, गाड़ी का और भाई वो पीछे वाले दरवाजे का भी ध्यान रखना। हम लोग सीधा का सीधा अपनी बाइक लेकर चलते हैं भाई, हम लोगों ने ऊपर खड़ी की हुई है। भाई नीचे खड़ी करो ना तो भाई चोरी वोरी होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन मैंने ना ये ऐसे मस्त ऊपर खड़ी की हुई है अपनी ये तगड़ी सी बाइक है। देखो भाई कितनी मस्त लग रही है। और इसके पीछे से ना ये देखो जो स्मोक निकलता है ना टायर का पूरा येलो निकलता है। ठीक है इसको लेके अभी चलते हैं सीधा का सीधा मिलिट्री, अरे भाई बेस इस तरफ को जाना है। यहाँ से हम लोग जल्दी से पहुँच जाएंगे मिलिट्री बेस और भाई सीधा का सीधा ना जाके अभी चोरी करते हैं भाई वो वाली जो गाड़ी है। अभी भाई पता नहीं मिलिट्री बेस में कितनी सिक्योरिटी होगी और वो कौन सी ही गाड़ी है जो कि हम लोगों को चोरी करनी है। ये वाला जो साइड का रास्ता है ना यहाँ से हम लोग पीछे से होते हुए आराम से मिलिट्री बेस घुस जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यानी कि पता तो चल जाएगा लेकिन ये पीछे वाली साइड पे ना गार्ड्स थोड़े कम होते हैं तो आई गेस हम लोगों की बचत हो जाएगी। अभी चल के ही देखना पड़ेगा। अरे भाई अरे बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों से मैं जा रहा हूँ लेकिन भाई यहाँ से जाना ज़रूरी है वरना तो हम लोग रेडार के अंदर आ जाएंगे और मिलिट्री वालों को पता चल जाएगा कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अभी सबसे पहले तो बड़ी दिक्कत ही है कि हम लोग एंटर कैसे होंगे, एंट्री मारेंगे तो मारेंगे कहाँ से और कैसे एंट्री मारेंगे? हर तरफ तो भाई पूरे के पूरे जवानों का दस्ता खड़ा होता है और आने जाने वाले पे वो तगड़ी नज़र रखते हैं। सबसे पहले तो अपनी बाइक को मैं सोच रहा हूँ कि तगड़ी सी जगह पे कहीं पे छुपा दूँ। आई गेस यहाँ पे अपनी बाइक को छुपा देता हूँ, यो भाई ये बहुत तगड़ी बाइक है और बहुत महंगी आई है तो मैं इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। भाई मिलिट्री वालों ने तो तगड़ा सिक्योर किया हुआ है, कहीं से भी ज़रा सी भी जगह नहीं मिली मुझे। अपनी शॉक वाली गन निकाल लेता हूँ भाई ताकि ना इस बंदे को मैं सीधा का सीधा ना शॉक कर सकूं और अपनी स्टन गन से ना इसको बेहोश कर पाऊं। अभी ये मुझे अंदर तो घुसने नहीं देगा। अरे भाई देखो फौरन आ गया भाई। सर ये पकड़े जरा, मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन आपने उठना नहीं है अब दोबारा से। भाई साहब दोबारा खड़ा होने लगा था अभी, अब फिर खड़ा हो गया। भाई क्या बंदा है ये, तीन दफा इसको स्टन गन से मारा फिर भाई फिर नहीं मान रहा, चार दफा स्टन गन से मारा फिर माना कहीं पर जाके। इसकी सबसे पहले तो गन उठा लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को साइड से होते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि सामने से अगर टैंक आ गया ना तो हम लोगों की बैंड बच जाएगी। भाई यहाँ पे अंदर तो आ चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई गाड़ी का सुराख जरा सा भी नहीं मिला मुझे, यानी कि ये वाली तो नॉर्मल गाड़ियाँ ये तो नहीं हो सकती। आई गेस के अंदर की साइड पर कोई ना कोई गाड़ी होगी। हाँ भाई ये वाली गाड़ी ओपन थी, मैं इसके अंदर इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं अपना ना ऐसे सिर छुपा के ना सीधा का सीधा यहाँ पे हल्का फुल्का चल पाऊँ और देखता हूँ भाई आसपास आई गेस कि हम लोगों को गाड़ी वो वाली दिख जाए। कहाँ से जाऊँ भाई मैं अंदर? आई गेस यहाँ से जाना सही रहेगा। हाँ भाई यहाँ से अंदर जाता हूँ। आई गेस यहाँ पर ज़रा ध्यान से जाना पड़ेगा, सामने मुझे सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं। हाँ भाई पूरे के पूरे वो देखो सामने सोल्जर्स हैं। हाँ भाई वो देखो जा रहे हैं। ठीक है भाई यहाँ से अंदर हम लोग जा सकते हैं क्या? अरे भाई ऊपर नहीं चढ़ना, हम लोगों को यहाँ से देखना भाई
यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा। ठीक है, हम लोग अंदर यहाँ से जा सकते हैं क्या? आई गेस के किसी हैंगर के अंदर ही खड़ी होगी। भाई सामने दो मिलिट्री के जवान खड़े हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है मेरी तरफ। आई गेस अभी यहाँ पे देखते हैं भाई, शायद यहाँ पे ना हो गाड़ी। ओ भाई यहाँ पे यही गाड़ी तो नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो गार्ड भी खड़े हैं। आई गेस मैं ऊपर से आ सकता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे भी मिलिट्री वाले हैं, यहाँ अंदर भी मिलिट्री वाले हैं, देखते ही गोली मार देंगे भाई साहब। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हैं, ये सही बात है भाई, गन अंदर रखते हैं जल्दी से। सीधा का सीधा ना ये सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ भाई सीधा का सीधा ऊपर चढ़ते हैं भाई, ये हुई ना तगड़ी वाली बात। यानी कि अगर ये सीढ़ियाँ ना होती ना, फिर हम लोग कतई ऊपर भी ना चढ़ पाते, और भाई कोई ना कोई हम लोगों को देख भी लेता। अभी किसी की नज़र हम लोगों पे नहीं पड़ी, इसलिए हम लोग सेफ़ हैं। लेकिन अगर किसी भी रडार कैमरे या फिर किसी सोल्जर ने देख लिया ना, तो बैंड बज जाएगी हम लोगों की। तो गाइस यार ये रही गाड़ी, बिल्कुल नीचे आप लोगों को आई गेस नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि भाई शीशा बहुत ज़्यादा लिटरली गंदा है। लेकिन ये देखो ये खड़े हैं भाई सोल्जर्स, और यहीं कहीं पर गाड़ी भी खड़ी हुई है आई गेस। लिटरली मैं मुझे खुद नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी हम लोगों को यहीं से अंदर की तरफ जाना है आई गेस। मैं यहाँ से शीशा तोड़ के अंदर जा सकता हूँ पीछे वाली साइड से। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं अंदर तो आ चुका हूँ भी। अभी मुझे ध्यान से ज़रा देखना पड़ेगा कि सोल्जर्स कहाँ कहाँ पे हैं। वहाँ पे खड़े हैं भाई सोल्जर्स, सारे का मुँह सामने की तरफ है, ये अच्छी बात है। इस वजह से हम लोग सीधा का सीधा भाई जाके उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ उतरता हूँ जल्दी से। आई गेस की गाड़ी जो है ना काफ़ी तगड़ी तो लग रही है, तो बुलेट प्रूफ तो होगी। इन लोगों से मैं वैसे तो नहीं बच सकता, लेकिन गाड़ी में बैठ के बच सकता हूँ। अरे भाई अबे शिट 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 अबे शिट भाई, लिटरली मैं गाड़ी में बैठा ही था भाई साहब। कितनी गोलियाँ चला दी, कितनी गोलियाँ चला दी भाई साहब, ये तो लिटरली में पीछे ही पड़ गए हैं। अबे यार अभी इनके टैंक वैंक भी आ जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई सॉरी, लेकिन भाई तू सामने ही आ गया था। ठीक है, अभी हम लोगों को गेट की तरफ जाना पड़ेगा सीधा का सीधा भाई, इधर से मुझे निकलना पड़ेगा। यहाँ से जाता है गैस रास्ता, हाँ भाई यही वाला रास्ता है गैस। अबे भाई ओ भाई साहब कहाँ से बचाऊँ मैं, भाई साहब कतई पीछे टैंक लग रखे हैं, निकलना पड़ेगा इधर से। अरे भाई सामने से भी टैंक आ गया भाई, बिल्कुल साइड से बचाऊँ मैं भाई, गाड़ी को थोड़ा सा ऐसे ही घुमाना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी मिलिट्री बेस से तो सही सलामत जिंदा मैं निकल आया हूँ, लेकिन अभी ये पुलिस वाले से जान छुड़वानी पड़ेगी। आई गेस इधर को जाता हूँ, इधर को आई गेस मिलिट्री वाले कम होंगे, लेकिन ना आ गए थे भाई, निकल आए और मिलिट्री वाले। यहाँ पे आई गेस मेरा पीछा वो लोग करेंगे तो ज़रूर, लेकिन आई गेस मैं यहाँ पे उन लोगों को चकमा दे के जा सकता हूँ। हाँ भाई यहाँ पे डेफिनेटली, अरे पुलिस वाले कहाँ से आ गए भाई, अभी सामने ये टनल सी तो नज़र आ रही है, लेकिन भाई आगे तो पानी है, हम लोगों को ऊपर ही चलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। जहाँ पे आई गेस इस साइड पे जाके हम लोग बच सकते हैं मिलिट्री से और पुलिस वालों से। ओ भाई साहब फाइनली हम लोग बच चुके हैं अभी मिलिट्री और पुलिस वालों से। और ये गाड़ी देखो भाई लिटरली में कितनी ज़्यादा सॉलिड है, लैम्बोर्गिनी लिखा है भाई इसके ऊपर, ये देखो पूरा का पूरा भाई साहब कितनी तगड़ी लग रही है। पूरी की पूरी नीचे देखो भाई जियोन लाइट्स ही जल रही हैं इसके नीचे रेड कलर की, वो भी कितनी सॉलिड लग रही है। ठीक है इसको लेके अभी सीधा का सीधा ना घर चलते हैं, घर जाके ना मस्ती से उस दरवाजे को खोलते हैं भाई। ये गाड़ी भी मिल गई और अब दरवाज़ा भी खुल जाएगा, कितना मज़ा आएगा भाई साहब। सीधा का सीधा चलते हैं भाई, दे देना दन। ये देखो भाई साहब फिर बारिश शुरू हो गई भाई साहब, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा आज कल लॉस सैंटोस में जब बारिश ना हो, लिटरली हर दिन बारिश हो रही है, हर दिन बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश को क्या हो गया। ये आ गया अपना घर, और ये खड़े हो भाई तुम लोग अभी यहीं पे खड़े हो। अरे हाय फैंकी भैया, आपका वेट कर रहे थे, और ये गाड़ी कहाँ से लेके आए? अरे बताया था ना भाई मिलिट्री बेस से सुपर कार लेके आनी थी, उनकी टास्क था तो वो लेके आया हूँ भाई, और क्या लेके आया हूँ। चौप भाई तू अंदर ही खड़ा है अभी तक, बताओ जरा। हाय फैंकी भैया, लेकिन अब इस गाड़ी का क्या करें? अरे भाई इसको पीछे लेके चलते हैं, तुम लोग भी पीछे पहुँचो, मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ, और फिर उस दरवाजे को देखते हैं भाई वो दरवाज़ा खुलता है या फिर नहीं खुलता। आई गेस तो खुल जाना चाहिए भाई, इतना मुश्किल काम करवाया है, पूरे का पूरे मिलिट्री बेस से गाड़ी निकालनी पड़ी है हम लोगों को। अब तो दरवाज़ा खुल जा, अब भाई ये तो खुल नहीं रहा, ये क्या बात हुई भाई अब क्यों नहीं खुल रहा? एक सेकंड भाई उतर के देखता हूँ। है पैक भैया, ये दरवाज़ा तो अभी तक खुला नहीं है यार। अरे हाँ भाई दरवाज़ा नहीं खुला, एक गाड़ी तो मैं ले आया हूँ भाई। और भाई तुम लोगों ने एक चीज़ नोट की है यार? क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे भाई ये दरवाजे पे जो हम लोगों ने गोलियां वोलियाँ मारी थी, जो आग वगैरह लगाई थी, उस सब के निशान चले गए, रिपेयर हो गया ऑटोमेटिकली। भाई ये तो कोई सीक्रेट डोर ही है वाकई।
लेकिन भाई अब ले तो आया हूँ भाई पूरी पूरी गाड़ी, अब और क्या करूँ मैं। है फ्रैंकलिन भैया देखो उस पेपर में कुछ और तो नहीं लिखा क्या? हाँ भाई देखता हूँ भाई इस पेपर में कुछ और लिखा है क्या। अरे भाई इसमें तो लिखा हुआ है स्लैप माइकल एंड ट्रेवर। अरे भाई वो दोनों तो कच्चा जब आ जाएंगे मुझे। है फ्रैंकलिन भैया लेकिन डोर खोलने के लिए तो करना पड़ेगा। अब यार ठीक है तुम लोग गाड़ी के ध्यान रखो। भाई यार अभी स्लैप करूँगा माइकल को और ट्रेवर को जाके तो वो तो कच्चा जब आ जाएंगे भाई मेरे को। भैया फ़ोन करके पूछता हूँ भाई माइकल कहाँ पे है। घर में होगा, घर में ही होगा भाई, सीधा का सीधा चल के देख लेते हैं क्या ही पूछना। भी गाड़ी का क्या करूँ यार छिनछान पिनछान। है फ्रैंकलिन भैया इधर छोड़ जाओ, पागल हो गया क्या? साथ वाले घर वाले चोरी कर लेंगे, इतनी मस्त गाड़ी है। अब पुलिस और मिलिट्री वाले भी मेरे पीछे हैं, गाड़ी देख लेना सीधा का सीधा पकड़ के ले जाएंगे। गैराज में खड़ी करता हूँ अभी जाके। ऑलराइट इसको अंदर खड़ा कर लिया, अभी अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ सीधा का सीधा माइकल के घर जाता हूँ। भाई माइकल को बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक थप्पड़ ही तो मारना है और फिर ट्रेवर को एक थप्पड़ मारना और भाई हम लोगों का काम हो जाएगा। हम लोगों की सीधी की सीधी जो है ना दरवाजे की चाबी मिल जाएगी आई गैस, या दरवाजा खुद ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन गाइस यार मैं सोच रहा हूँ ये सब कुछ करने के बाद भी अगर उस दरवाजे के अंदर से कुछ हाथ ना निकला और भाई किसी ने हम लोगों के साथ वो प्रैंक किया हुआ तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई मुझे थोड़ी सी तसल्ली इस चीज़ की है कि भाई वो दरवाजा जो है ना कुछ अतरंगी तो ज़रूर सा है, यानी कि उसने अपने आप को ऑटोमेटिकली हील कर लिया तो उसमें कुछ तो दम है, तभी मैं भाई साहब ये सारे उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ। वरना माइकल को या फिर भाई ट्रेवर को, लिटरली ट्रेवर को थप्पड़ मारने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये लोग इतने ज़्यादा खतरनाक हैं भाई, एक मिनट में मेरी गेम बजा देंगे। देखता हूँ भाई माइकल घर में है या फिर नहीं है। हेलो हेलो जी माइकल, माइकल माइकल कहाँ पे है भाई? भाई घर में अमेंडा जी। हेलो अमेंडा जी माइकल कहाँ पे है? अरे यार अमेंडा कह रही है माइकल बाहर गया हुआ है। अबे यार अब माइकल का वेट करना पड़ेगा, माइकल को कॉल कर लेता ना भाई सीधा का सीधा, वही ठीक था भाई। अभी ऊपर देखता हूँ शायद ऊपर ना हो। ट्रेसी है क्या? हाँ भाई ट्रेसी तो मस्त अपने कमरे में है। जिमी भी भाई गेम खेल रहा, माइकल नहीं है। माइकल को ही फ़ोन करता हूँ भाई जल्दी से। ऑलराइट तो माइकल को फ़ोन किया, कह रहा भाई वो आ गया भाई जहाँ पे भी गया हुआ था घर के बाहर वेट कर रहा है, देखो जरा कहाँ पे है अब। ऑलराइट ये अपनी गाड़ी खड़ी है। अरे ये माइकल की गाड़ी, माइकल आ गया तू? माइकल कैसा है तू? अरे यार मैं ठीक हूँ, क्यों बुलाया तूने इतनी जल्दी में? इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आया मैं अपना। अरे यार माइकल दादा कुछ नहीं कहना था यार, तू अपना अच्छा दोस्त है ना? अरे हाँ यार जल्दी बोल यार, तुझे पता है अभी एक बंदे को निपटा के आया हूँ मैं, बस उसको दफनाना था और तूने बुला लिया। अबे भाई देख रहे हो आप लोग कितना खतरनाक है ये माइकल। यार तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तुझे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अरे वो क्या? अरे भाई मैं तेरे से ना बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई मैं सिर्फ तेरे को एक मुक्का मारना था बस, और कुछ भी नहीं कहना था। अबे निकलो 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 भाई यहाँ से। ओ भाई साहब, भाई साहब आ रहा भाई, ये उठ गया। अबे यार गाड़ी तोड़ दी पूरी को पूरी। अरे माइकल बस तेरे को कुछ भी नहीं करना था। अरे भाई ये तो मार देगा भाई मेरे को, निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। वो भाई बहुत गुस्सा कर गया भाई ये तो। ओए भाई ये एक दरवाज़ा मेरे से क्या क्या काम करवाएगा बताओ जरा। अबे भाई अभी भी गोलियाँ चला रहा है बताओ जरा। भाई आ रहा पीछे आ रहा है, बिल्कुल पीछे आ रहा है मेरे। बे अपनी गाड़ी लेके ना मेरे पीछे आ जाए बस। बे निकलना पड़ेगा निकलना पड़ेगा। अभी ट्रेवर को मैंने किया तो वो सीधा का सीधा ग्रेनेड मार देगा भाई मेरे ऊपर तो। इसने तो फिर लिहाज करके सिर्फ गोलियां ही मारी हैं। लेकिन अभी कोई बात नहीं, जहाँ पे माइकल को एक लगा दिया वहाँ पे ट्रेवर को भी एक लगा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हम लोगों के लिए तो। अरे भाई पहुँचने वाले हैं भाई ट्रेवर के पास। अरे भाई यहाँ पे तो गोलियाँ चल रही हैं, क्या और है? ओ भाई साहब वो देखो ट्रेवर को पेल लिया भाई ये लोग तो पहले ही। भाई ओ भाई साहब, भाई ट्रेवर को पेले, ट्रेवर में आ गया भाई तेरे मदद करने के लिए। तेरी हंसते थे भाई मेरे दोस्त को पेल ले। भाई साहब कितना पेल लिया। भाग जा भाई यहाँ, भाई भाग यहाँ से बताओ जरा। अरे भाई मैं आ गया ट्रेवर, टेंशन मत ले। अरे बूढ़े तो आ गया सही टाइम पे, वैसे मैं ठोक दिया इन सबको। तू बता कैसे आया भाई आज यहाँ पे? भाई पहले ये तो लड़ है भाई। कुछ नहीं बस ट्रेवर तेरे से ना एक छोटा सा काम था। अरे क्या काम था यार? अरे भाई मैं तुझे इतना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे ना तुझे एक मुक्का मारना पड़ेगा। भाई निकलो 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 यहाँ से। अरे भाई इतना तो गोलियाँ चलानी शुरू कर दी भाई। निकलो 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 भाई। अरे भाई जल्दी निकलना पड़ेगा भाई साहब, ये तो पहले गुस्से में था। ठीक है भाई हम लोगों ने अपना दूसरा टास्क भी कर लिया। ओ भाई साहब अब सेफली घर पहुँच जाऊँ।
इससे पहले कि ये ट्रेवर आ जाए भाई, मेरे को लग रहा है भाई ये पीछे आएगा, डेफिनेटली पीछे आएगा, घर तक आएगा मेरे। लेकिन इसके पहुंचने से पहले भाई वो किसी तरह दरवाज़ा ओपन करके ना मुझे अंदर घुसना पड़ेगा, वरना तो भाई बुरा फंसूंगा मैं, और फिर तो भाई कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। ऑलरेडी माइकल से भी पंगा ले लिया मैंने, ट्रेवर को भी मुक्का पेल दिया है, और अब मेरा कोई और दोस्त नहीं है जो इन दोनों से मुझे बचा सके। इन लोगों को मैं बाद में समझा दूंगा कि भाई सोने मोने के चक्कर में मैंने इन लोगों को पेला था। भाई आई गेस मेरी बात समझ जाएंगे, पता नहीं समझेंगे कभी नहीं समझेंगे, निकलना पड़ेगा अभी, बाकी बातें हम लोग बाद में सोच लेंगे, अभी सबसे पहले निकलना पड़ेगा, घर की तरफ जाना पड़ेगा। भाई घर पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे आगे धमाके की आवाज़ क्यों आई अभी एकदम से? भाई मेरी बाइक कैसे जल गई भाई, पूरी की पूरी बाइक जल गई भाई साहब, ये किसने जला दी? अरे यार मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है भाई, जल्दी निकालना पड़ेगा भाई। पूरी की पूरी बाइक जल गई भाई, लेकिन ये कैसे ब्लास्ट हुई? टायर भी गया पूरा का पूरा भाई। फायर ब्रिगेड तक नहीं आई अभी तक, बताओ जरा। अरे भाई ये तो अभी तक जल रही है भाई साहब, ये क्या मुसीबत है भाई, अभी ये किसने जला दी? ऑलराइट, तो आग तो मैंने यहाँ से बुझा दिया भाई, अपनी अंदर वाली गाड़ियाँ सेफ है क्या? हाँ भाई अभी तक तो सेफ है, चौप भी अंदर ही। और भाई ये गोलियाँ किसने चलाई अपने घर पे? देख रहे हो यार गाइस, आप लोग गोलियों का निशान आप लोगों को नजर आ रहे हैं क्या? पूरी पूरी ऐसे किसी ने गोलियाँ आके चलाई हैं हम लोग के घर के ऊपर, अंदर तो कोई नहीं है क्या? नहीं भाई अंदर तो कोई भी नहीं लग रहा भाई, छिनछान पिनछान देखते हैं भाई कहाँ पे है। आई गेस नीचे की तरफ ही होंगे, दरवाजे के पास छोड़ के गया था मैं इन लोगों को, वो ही खड़े हैं, हाँ सामने ही खड़े हैं। पूछते हैं भाई इन लोगों से कि ये क्या हो रहा है, दरवाज़ा खुल गया क्या? अबे नहीं खुला, अभी भी नहीं खुला क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया आगे क्या आप? अरे हाँ भैया दरवाज़ा नहीं खुला क्या अभी तक? हाँ यार नहीं फ्रैंकलिन भैया, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। अरे यार है आपको इतनी छोटे कैसे लग गई? अरे भाई माइकल कॉल्ड ट्रेवर को भाई मुक्का मारने गया था, बल्कि एक थप्पड़ मारने गया था, तो तुम लोगों को क्या लगता है वो ऐसे जान देते? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया अभी माइकल अंकल आए थे हमारे घर पे, गोलियां बरसा के गए हैं। अरे अच्छा ये माइकल करके गया भाई? अरे भाई मुझे पता था कि ये माइकल कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन ये करेगा ये नहीं पता था भाई। अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? अब सारे टास्क तो कर लिए। हाँ फ्रैंकलिन भैया देख लो, हो सकता है कि और कोई टास्क लिखा हो। हाँ भाई देख लेता हूँ जल्दी से एक दफ़ा फिर से। अरे भाई इसमें लास्ट टास्क जो लिखा हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ फ्रैंकलिन भैया लेकिन ऐसा क्या लिखा है इसमें? अरे भाई इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस कमिश्नर को नॉकआउट करना है भाई, वो भी पुलिस स्टेशन जाके। हाँ फ्रैंकलिन भैया लेकिन इसमें तो आप मर भी सकते हो। अरे भाई मर सकते हो नहीं, लिटरली मर जाऊँगा भाई, अब क्या करूँ यार, आखिरी टास्क है आई गेस भाई साहब, क्योंकि इसके आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई, तो आई गेस ये आखिरी टास्क होगा भाई, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा भाई अब। ठीक है भाई चलता हूँ अभी यार, सीधा सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में तो भाई इतने भाई पुलिस वाले भी होते हैं, वो लोग तो हमारी ना घटिया खड़ी कर देंगे, लेकिन अभी करना है तो करना ही है। ऑलरेडी मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ लॉस सैंटोस के अंदर, पुलिस वालों ने भाई साहब मुझे पे रोल पर छोड़ा हुआ है भाई, ये सारे उल्टे सीधे काम अब मैं करने जा रहा हूँ, वो भी पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, आई गेस इस दफ़ा ये टास्क करने के बाद ये डोर खुल जाएगा, और आई गेस इसके बाद मैं अंदर चला जाऊँगा कुछ दिन, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं अंदर ही रहूँगा। वैसे भी हम लोगों ने कौन सा पुलिस कमिश्नर को जान से मारना है, सिर्फ उसको नॉकआउट तो करना है, वो करके मैं सीधा का सीधा वहाँ से भाग आऊँगा, और भाई सीधा आगे ना डोर खुल ही जाएगा। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, लॉस सैंटोस के बावड़े लोग हो चुके हैं पूरे के पूरे, पुलिस स्टेशन आने वाला है भाई। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, चारों तरफ इस एरिया को ना ये देखो पुलिस ने घेर रखा हुआ है, और मैं पुलिस कमिश्नर को नॉकआउट करने जा रहा हूँ, बताओ जरा। ये देखो हर तरफ पुलिस है, पुलिस है, जहाँ देखो हर तरफ पुलिस है, और मैं अपनी टूटी फूटी गोलियाँ लगी हुई गाड़ी के साथ यहाँ पर आ रहा हूँ। इन लोगों को शक ना हो जाए भाई बस मेरे पे। ठीक है अंदर चलते हैं, अभी तक तो किसी का भी शक नहीं हुआ, किसी ने भाई देखा भी नहीं है, शरीफ की मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं भाई, आज कुछ एक्स्ट्रा ही पुलिस वाले हैं, इतने पुलिस वाले तो होते भी नहीं है रोज यार, किस्मत ही ख़राब है। जिस दिन भाई पुलिस कमिश्नर को नॉकआउट करना था उस दिन इतने लोग होने थे क्या? अभी पुलिस कमिश्नर पता नहीं कहाँ पे होगा, पूछता हूँ भाई इस बंदे से पूछता हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो क्या बस है, क्यों आए हो पुलिस स्टेशन? सर वो पुलिस कमिश्नर से मिलना था। अरे वो इतने वेले नहीं है कि हर किसी के से मिले। अरे सर फिर भी उनसे मिलना था, एक बहुत अर्जेंट बात करनी थी। अरे अच्छा है, देख लो कैप्टन ऑफिस में होंगे या पीछे होंगे। ऑलराइट सर देख लेता हूँ, अंदर तो कमिश्नर साहब नहीं है, कमिश्नर साहब का बॉडीगार्ड है, यहाँ पे पुलिस वाले हैं। सबसे पहले जैकेट ले लेता हूँ भाई, बुलेट प्रूफ। हाँ भाई अब देखता हूँ कमिश्नर साहब, हाँ भाई अंदर लग रहे हैं। सर कमिश्नर साहब कहाँ पे हैं? अरे मैं ही हूँ कमिश्नर, क्या मसला है तुम्हें? अरे सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ क्या बात करनी थी, पीछे होकर ज़रा बात करो। ये बात करनी थी सर आपसे,
अबे भाई निकलते निकलते अबे शिट 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 शिट, अरे मुझे लगा ही था भाई, भाई गोलियां चलनी शुरू हो गई है मेरे पे ऊपर से। अरे भाई भाई पीछे हो जाओ सारे, भाई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती अभी मेरा काम तमाम हो गया होता भाई, मैं किसी को भी मारूंगा नहीं क्योंकि भाई अगर किसी को भी मारा ना पूरा का पूरा पर्चा हो जाएगा मेरे ऊपर, FIR कट जाएगी भाई साहब, मारना नहीं है भाई साहब। निकलो निकलो यहाँ से तुम लोग, पुलिस की गाड़ियाँ ही लेके निकलते हैं भाई, इनकी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ नहीं होती क्या, मेरे को तो लगा बुलेट प्रूफ होगी इनकी गाड़ी, तेरी अच्छी थी भाई पीछे हो जा। यार क्या मुसीबत है, अभी गाड़ी चुराते हुए पुलिस पीछे लग गई थी, अब भी पुलिस पीछे लग गई है, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है भाई, पूरी पूरी हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, पुलिस से कैसे जान छुड़वाऊं, सामने से पुलिस आ रही है इधर निकलता हूँ। अरे भाई इधर से भी पुलिस आ रही है भाई, अपना सायरन भी मैं चला लेता हूँ ताकि भाई इन लोगों के अंदर ही मैं घुल मिल जाऊँ, इन लोगों को पता ना चले कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने भाई कमिश्नर को नॉकआउट अभी किया है। सामने से पुलिस वाले आ रहे हैं भाई, कितने आ गए कितने आ गए भाई कितने आ गए भाई, ऊपर पहाड़ी की तरफ चलता हूँ वहाँ पर मेरा घर है और वहाँ से मैं चुप चुपा के ना निकल जाऊँगा और किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ भाई ये वाला आइडिया सही है, बिल्कुल सही है, यहीं से निकलता हूँ आई गेस, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं चुप करके खड़ा हो जाता हूँ, पुलिस वालों को नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। हाँ भाई ये एक अच्छा स्पॉट है, सेफली मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ। ऑलराइट तो आई गेस के पुलिस वाले पीछे से हट चुके हैं, हाँ भाई हट चुके हैं, अभी सीधा का सीधा मैं घर निकल सकता हूँ। ओ भाई यार तो बहुत मुश्किल टास्क थे ये सारे के सारे, सबसे पहले तो भाई मिलिट्री बेस से जाके गाड़ी चोरी की हम लोगों ने कर्नल की, उसके बाद हम लोगों ने माइकल और ट्रेवर को थप्पड़ मारे, उसके बाद अब हम लोग नॉकआउट करके आए हैं पूरे के पूरे पुलिस कमिश्नर को, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके। अब भी दरवाज़ा ना खुला तो भाई मैं कोई और टास्क नहीं करने वाला क्योंकि भाई मेरी बस हो चुकी है भाई, इतने सारे टास्क करने के बाद भी अगर कुछ ना हुआ ना भाई ये तो बहुत गलत बात होगी भाई साहब। सायरन वायरन बजा के जा रहा हूँ कि ट्रेवर और माइकल अगर मेरे घर पर आए हो ना भाई डर के भाग जाएं। ऑलराइट तो गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, अपनी वाली गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है और आई गेस के माइकल या ट्रेवर अभी तक नहीं आए। थारे भाई कान में से खून निकला है, पूरा कान खराब हो गया है, अभी ठीक है चल के देखते हैं भाई अब डोर अनलॉक हुआ या फिर नहीं हुआ। भाई शिनचान पिनचान वहीं पे खड़े हैं। हाँ भाई शिनचान दरवाज़ा खुला के नहीं? अरे यार नहीं फ्रैंकलिन भाई अभी तक तो नहीं खुला। अरे अब क्यों नहीं खुला भाई साहब, अब तो सब टास्क भी कर लिया मैंने, अब भाई इसके अलावा और मैं क्या करूं, पूरे का पूरे कमिश्नर को पुलिस स्टेशन में अभी मैं नॉकआउट करके आ रहा हूं, पता है तुम लोगों को। हाँ भाई भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तो पुलिस आ जाएगी फिर तो। अरे हाँ भाई तो ये क्यों नहीं खुला अभी, भाई खुल जा प्लीज़ खुल जा भाई। अरे भाई ये क्या आ गया नीचे, चाबी तो नहीं है भाई इसकी कहीं? हाँ भैंक भैया पता नहीं यार, लेकिन टास्क देख लो पूरे कर लिए क्या आपने? अरे भाई देख लेता हूँ ये पर्ची एक और दफ़ा। अरे यार इसमें लिखा हुआ लाइक एंड सब्सक्राइब, गाइस यार प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, डोर ओपन अगर ना हुआ ना पुलिस आ जाएगी एक मिनट में, एक सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से ये दोनों काम कर दो। पुलिस के सायरन भी आ रहे हैं भाई, 4-star पुलिस भाई पड़ गई है पीछे, अगर ये दरवाज़ा ना खुला ना तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, जल्दी से कर दो यार गाइस जल्दी से कर दो, एक सेकंड के अंदर अंदर दोनों चीज़ें कर दो। पुलिस तो भाई और पास आती जा रही है आई गेस, हाँ भाई मुझे पूरे पूरे सायरन की आवाज़ आ रही है भाई, हेलीकॉप्टर तो नहीं आ रहे कहीं से? अरे भाई अभी हेलीकॉप्टर भी आ जाएंगे, 5-star पुलिस है पूरी की पूरी। ओ भाई साहब आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया भाई, थैंक यू सो मच, लेकिन भाई अंदर से तो काला काला आ रहा है यार, शिनचान पिनचान। हाँ भैया अभी ज़्यादा मत छोड़ चुप करके इसके अंदर छलांग मारो ताकि हम लोग यहाँ से पुलिस से बच सके। हाँ भाई जल्दी से करते हैं भाई, माइकल और ट्रेवर भी मुझे लग रहा है आ रहे हैं, हाँ भाई दूर से इनकी गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं भाई, पुलिस ने तो पूरी गोलियां चलानी शुरू कर दी भाई, निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। ओ भाई साहब ये किधर आ गया मैं, ये दरवाज़ा तो वही है शिनचान पिनचान चौप। हाँ भैया दरवाज़ा तो वही है यार। हाँ भाई दरवाज़ा बिल्कुल ही मेरे घर के नीचे क्या बन रखा है भाई, सामने तो किसी वोल्ट का दरवाज़ा लग रहा है, ये दरवाज़ा तो भाई साहब बंद है, इसके अंदर बक्से पड़े हैं यार, ये भी दरवाज़ा बंद है क्या? हाँ भाई सारे दरवाजे बंद है क्या? ओ भाई ये दरवाज़ा खुला भाई शिनचान पिनचान चौप। हाँ भैया लेकिन ये दरवाजे में है क्या भाई? इधर सोना है पूरा का पूरा। अरे हाँ यहाँ पे भैया ये तो सोना और पैसे भी पड़े हैं यहाँ पे। हाँ भाई यहाँ पे पैसे भी पड़े हैं, एक मिनट वहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है, पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ दोनों के दोनों भाई यहाँ। ओ भाई ये तो बाइक लग रही है भाई पूरी की पूरी। हाँ यहाँ पे भैया ये तो फ्यूचरिस्टिक बाइक लग रही है। हाँ भाई ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बाइक सी लग रही है भाई साहब, इसके टायर कितने सारे हैं। ओ भाई लिटरली में कितनी ज़्यादा सॉलिड बाइक है, ओए गाइस यार यानी कि आप लोग देखो कितनी ज़्यादा मस्त बाइक है, डिजिटल मीटर है पूरा का पूरा इसका।
भाई लेकिन इसको बाहर कैसे लेके जाएंगे यार शिनचैन पिनचैन। हाय हाय फ्रैंकलिन भैया, मेरे को क्या पता कैसे लेके जाना है। अरे वो सामने दरवाजा तो लग रहा है, निकल सकते हैं कि? अरे नहीं भाई, ये दरवाजा तो बंद है भाई, कहीं ना कहीं से तो लेके जाना पड़ेगा यार इसको। हाय हाय फ्रैंकलिन भैया, लेकिन इतने ऊपर डोर से हम लोग इसको बाहर कैसे ले जाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ भाई, ये आई कैसे होगी, दरवाजा तो इतना ऊपर लग रखा है। ठीक है यार, हम लोग वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम लोग ये दरवाज़ा तोड़ के ना इसको बाहर तो निकाल ही लेंगे। भाई यार गाइस, आज की वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं भाई। अभी शिनचैन पिनचैन, मैं और चॉप यहाँ पे आ चुके हैं भाई। माइकल पूरी मिलिट्री, ड्राइवर और भाई पुलिस का कमिश्नर, सारे के सारे लोगों को लेके ना अभी मेरे घर के बाहर पहुंचा होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि हम लोग इस दरवाजे के अंदर हैं। और आई होप सो ये दरवाज़ा दोबारा ना खुले, क्योंकि हम लोगों ने भी टास्क करके खोला है और उन लोगों को तो पेपर भी नहीं मिलने वाला। बाकी आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो, जल्द जाकर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अच्छी लगी है तो जल्द कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली दफ़ा आए तो जल्दी से मार दो सब्सक्राइब। और हम लोग ढूंढते हैं भाई हम लोगों को बाहर कैसे जाना है। भाई पिनचैन तेरे को क्या हो गया? हाय फ्रैंक भैया, मेरे ऊपर बाइक गिरा दी यार, ऊपर से कह रहे हो क्या हो गया? अरे भाई सॉरी यार, उठ जा, कुछ नहीं होता, जरा सी बाइक ही गिर गया भाई, ऐसे लेट ही गया है। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ना हेलो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।